नमस्कार दोस्तों, जैनी कैसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक बेल होगी, उसे क्लिक करके आप पा सकते हो हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। वे महिला जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, उन्हें गर्भाशय कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। यह ओवरी के कुछ भागों और उसके आसपास के भागों को प्रभावित कर सकता है। महिलाओं में अन्य कैंसर की तुलना में गर्भाशय कैंसर से मृत्यु की संभावना अधिक होती है। गर्भाशय कैंसर होने का कोई विशेष कारण नहीं होता। यदि आप जानना चाहते हैं कि गर्भाशय कैंसर का निदान कैसे किया जाए तो यह लेख आपकी सहायक करेगा। प्रारंभिक अवस्था में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। यह लक्षण बहुत देर से दिखाई देते हैं। यही कारण है कि गर्भाशय कैंसर को साइलेंट किलर भी कहा गया है। इस वीडियो में गर्भाशय कैंसर के 10 प्रारंभिक लक्षण बताए गए हैं, जिसके द्वारा आप गर्भाशय कैंसर का पता लगा सकते हैं। पहचान के लक्षण: एक, कष्टप्रद या असुविधाजनक संभोग। इस लक्षण को डायसन पर यूनिया कहा जाता है। ओवरी में ट्यूमर होने के कारण संभोग करते समय बहुत दर्द होता है। दो, पेशाब संबंधित आदतों में परिवर्तन। यदि पेशाब संबंधित आदतों में अचानक बदलाव आने लगे तो यह गर्भाशय कैंसर का लक्षण हो जाता है। इसके अलावा अन्य परिवर्तन भी देख सकते हैं, जैसे लगातार पेशाब आना, पेशाब में खून आना और मूत्राशय पर नियंत्रण न रहना। तीन, वजाइनल असामान्यता। ब्लड स्पॉटिंग या मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना गर्भाशय कैंसर का खतरनाक लक्षण है। चार, सांस लेने में तकलीफ होना। इस कैंसर के कारण पेट में तरल पदार्थ बनता है जो पेट की लाइनिंग को प्रभावित करता है। इससे इस क्षेत्र में दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। पाँच, हमेशा थकान महसूस होना। हमेशा थकान महसूस होना या सामान्य में अधिक नींद आना भी एक समस्या है और यह गर्भाशय कैंसर का एक प्रारंभिक लक्षण है। छः, मल त्याग में परिवर्तन आना। जब ट्यूमर बढ़ता है तो यह पेट, मूत्राशय और छोटी अंत पर दबाव डालता है। इससे मल त्याग की आदतों में परिवर्तन आता है। यह गर्भाशय कैंसर का प्रारंभिक लक्षण है। सात, पीठ के पिछले हिस्से में दर्द। महिलाओं में पीठ में पीछे नीचे की ओर दर्द होता है जो श्रोणि क्षेत्र तक जाता है। समय के साथ यह दर्द बढ़ता है और बहुत अधिक तकलीफ देता है। एट, पेट जल्दी भर जाना। भूख कम लगना या थोड़ा सा खाने के बाद ही पेट भर जाना ही गर्भाशय कैंसर का एक लक्षण है। नौ, पेट में सूजन या पेट फूलना। यदि आप 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला है तो पेट के निचले भाग में पेट फूलना, अपचन, गैस बनना आदि लक्षण गर्भाशय कैंसर के हो सकते हैं। 10, श्रोणि में दर्द। आवरी में होने वाले ट्यूमर में कारण श्रोणि में दर्द होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्यूमर का दबाव ओवरी और इसके आसपास के अंगों पर पड़ता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। किसी भी तरह की मदद अथवा सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।